हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मुरब्बे और मुकम्मल आपके साथ वीडियो मुरब्बे की शेयर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं मुरब्बे और वहाँ पे क्या करते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या तरीक़ेकार है। और सुबह सुबह अबू वाले चले गए थे, बड़े भाई भी चले गए थे, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर। लो जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, हम पहुँच चुके हैं मुरब्बे। अबू वाले सुबह सुबह जो है वो, आज ईद का दूसरा दिन है फिर भी काम पे आ गए, ईद के पहले दिन भी काम पे आ गए थे, तो इनके लिए अभी खाना लेके आए, खाना खा रहे हैं। तो पूछते हैं क्या कर रहे हैं सुबह से आज। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम, क्या की कर रहे हो? शुक्र है अल्लाह का। अभी वो जमीन का कुछ काम किया है, पास वही है। अच्छा, खाना खा रहे हैं, गाड़ी फार भी किया अभी। अच्छा, कितने एकड़ सुबह से वो किए आपने बिजाई? 7 एकड़ हमने सुबह के 7 एकड़ कर लिए। अब कितने, कितनी देर में किए हैं? 3 घंटे में 7 एकड़ किए हैं। ये सारा जहाँ जहाँ नजर आ रहा है ये आपने अभी? चले जी माशाल्लाह। तो पहले गूगल भी चल रहा है, गूगल चल रहा है, उसका भी कुछ और पानी लगा रहे हैं कि तुम पास के लिए। अच्छा अच्छा, पास भर रहे हैं, वो पहले केरा किया था। अच्छा अच्छा, उसको हम फिर पानी दोबारा लगा रहे हैं केले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले यहाँ पे गंदम भी जाई की हुई थी? पहले गंदम। अच्छा अच्छा, अब कपास कर रहे हैं। चले जी, ये आमों के दरख्त हैं? ये आमों के दरख्त हैं, कुछ नुकसान हुआ है आंधी से। अच्छा, आंधी रात? जी, रात आंधी बहुत तेज चली है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है कुछ आमों का, आमों की फसल का। अच्छा, से तमाम आम काफी गिर गए। अच्छा, जैसे ये देखें जी, आंधी की वजह से जो है ये वो बहुत नुकसान है, वो आम उधर पड़े हुए हैं बोरे में, ये देख। अच्छा, आम भी लगे हुए थे। चले, अच्छा अच्छा, वो वाला सिंदड़ी है। चले जी, ये जो पौधा है सिंदड़ी आम का है, ये भी आम का दरख्त है, ये ब्लैक चौंस है, कुछ लगे हुए भी हैं, ये देखें बहुत ज्यादा लग गया। हाँ, उसके भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये नीचे गिरे भी हुए हैं, कुछ उठा के जो है इन्होंने रख भी लिए हैं। और बहरोज भी आ रहा है, मैंने कहा था गर्मी है आप ना जाओ नाना के पास, कहता नहीं सुबह का नाश्ता नाना के पास लेने के लिए जाना है, लेके जाना है। ये देखें, ये नीचे भी गिरे हुए हैं, ये रात अंधेरी चली है उसकी वजह से है। चले जी, आ जाओ बहरोज, बहरोज नहाने चले फिर नहाने के लिए चले। इधर देखो, वो सामने चल रहा है टूबल, चलो फिर चलते हैं। ये देखें जी, अभी जो है इन्होंने ट्रैक्टर के साथ हल मारे, बिजाई कर रहे हैं कपास की। चलते हैं फिर ट्यूबल पे नहाते हैं। चले भी बहरोज, नहाए, शर्ट उतारो। वाह भाई वाह, ओए होए होए,
ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੂਵਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਸ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ये जी हमारे मुरब्बे से जो है ये गुजर के जाती हैं बिजली की तारें। ये बहुत बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, बहुत मोटी मोटी तारें। ये नीचे जानवर जो है घास चर रहे हैं। तो ये जो तारें हैं ये 11 kV वाली तारें हैं और ये ग्रिड से आती है बिजली, और ये आगे पंजाब एरिए को इन्हीं तारों से बिजली जो है सप्लाई की जाती है। और ये तकरीबन 6 तारे हैं, इस लिहाज से जो है 66,000 kV की जो है ना ये तारें जा रही हैं, इतनी ज़्यादा पावर है ये। और काफ़ी बड़े बड़े खंभे हैं, ये 3 से 4 मंजिला ऊंचा खंभा है ये। ਕੱਚੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। जो है इधर आ गए थे मुरब्बे और मुरब्बे से आप वापसी जा रहे हैं, तो अभी ट्यूबल से भी नहाए हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है वो भी सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हम ज़्यादातर शहर में होते हैं, काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अब जो है हम वापसी जा रहे हैं क्योंकि अभी जाना है वापस शहर और शॉप भी ओपन करनी है। तो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो मेरे रोज़, बाय बाय।